सो ये जो कुछ पिक्स हैं जो मैं अभी शो कर रही हूँ वो हल्दी के बाद की रस्म के पिक्स हैं। मेरी कुछ सिंगल पिक्स हैं, मेरी हल्दी हो चुकी है उसके बाद ये पिक्स क्लिक कर रहे थे। सो अभी बारात आ चुकी है दुल्हन के दरबार में, और ये प्रीतम है जिन्होंने हेड के ऊपर डिज़ाइन कुछ किया है वो चंदन का। और यहाँ पे मेरी मम्मी प्रीतम को आशीर्वाद कर रही है, उसका स्वागत कर रही है। मिष्टी और पानी और बहुत सारे रिचुअल्स है वो सब फॉलो किए गए हैं यहाँ पे। तो ये मम्मी उसका स्वागत कर रही है आरती उतार के। और ये है फाइनल द ब्राइड दुल्हन यानी मैं। तो ये मेरा एक सिंगल पिक यहाँ पे क्लिक किया, मैं अंदर थी बाहर नहीं आई थी मैं। और ये प्रीतम है और उसके साथ जो एक छोटा सा बच्चा है वो है कोनेबोर। मीन्स बंगालीज में क्या होता है कि ना जब दूल्हा आता है तो उसके साथ एक छोटा बोर भी आता है, ठीक है, तो उसको हम कोनेबोर बोलते हैं। तो ये उसकी मामा के लड़के का बेटा है और यहाँ पे प्रीतम की एंट्री हो रही है। चलो तो फिर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे है अभी आशीर्वाद की सेरेमनी स्टार्ट होगी, मीन्स आशीर्वाद होगा। एक साइड प्रीतम का आशीर्वाद हो रहा था, मेरी फैमिली कर रही थी। ये है दादू मीन्स मेरे ग्रैंडफादर, वो प्रीतम का आशीर्वाद कर रहे हैं। और मम्मा है, मम्मा उसको मिठाई खिला रही है आशीर्वाद करने के बाद। तो यहाँ पे प्रीतम का आशीर्वाद सेरेमनी चल रहा था और दूसरी साइड मेरा चल रहा था सेरेमनी आशीर्वाद वाला। ये दादू मुंह मीठा कर रहे हैं अभी प्रीतम का। तो अभी आइए चलिए हम मेरा आशीर्वाद सेरेमनी देख लेते हैं। ये पूरा प्रीतम का था, ठीक है। तो दूसरी साइड उसके घर वाले मेरा आशीर्वाद कर रहे थे। तो ये आशीर्वाद पहले मतलब शादी के पहले भी हो सकता है, 2-3 महीने या 4 महीने के बाद, आप अपने हिसाब से जिस तरह से करते हैं। लेकिन मेरा शादी के दिन ही आशीर्वाद हुआ था। ये मेरे ससुर जी है तो वो आशीर्वाद कर रहे मेरा, और बाकी अदर फैमिली मेम्बर्स हैं सारे, वो मेरी पीसी है, मेरी मानी है और मेजो मोनी है। ये मेजो मोनी है जो मुझे हार पहना रहे। तो ये आशीर्वाद पैरेलल ही चल रहा था हम दोनों का, एक साइड मेरा और एक साइड उसका। फिर बाद में मेरे कुछ सिंगल पिक्स लिए गए हैं। तो बाकी जब तक मैंने सिंगल पिक्स ले रहे थे तब तक वहाँ पे मंडप पे पंडित जी मेरे बाबा के साथ वो बाकी के रिचुअल्स फॉलो कर रहे थे। तो तब तक मेरी सिंगल पिक्स वो लोग कलेक्ट कर रहे थे। तो ये मेरे कुछ सिंगल पिक्स हैं, मैं भयंकर पोज दे रही हूँ। मीन्स तब ऑब्वियसली तब कोई पोज ही याद नहीं आ रहा था कि कौन से पोज में मैं पिक क्लिक करवाऊँ। तो यही सब पोजेस जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किए मैं वही सब पोज दे रही थी। सो यही कुछ पोजेस जो उन्होंने सजेस्ट किए वो देने के बाद फिर बाद में मेरे मन में आया कि चलो ये वाला एक पोज दे देती हूँ, वो एटलीस्ट एल्बम में और रहेगा तो सही। तो फिर ये जो पोज है, ये जो पिक्चर है वो मेरा फेवरेट पिक्चर है पूरे एल्बम में, ये मेरा फेवरेट है। ये बहुत ही प्यारा फोटो है और उन्हें बहुत अच्छे से क्लिक किया गया है। तो ये पिक मेरा फेवरेट है और ये पोज मैंने अपने मन से दिया था, तो ये मुझे बहुत पसंद आया ये वाला पिक्चर। फिर बाद में सिंगल पिक्स क्लिक करने के बाद फैमिली मेम्बर्स के साथ फ़ोटोज़ है मेरी। तो वहाँ पे बाबा का रिचुअल सारे जो पंडित जी के साथ था वो हो गया। तो फिर बाबा अंदर आए थे तो बाबा वही गेटअप में मम्मा और बाबा के साथ मैंने एक पिक क्लिक कर लिया। फिर से उन्होंने मेरा एक सिंगल पिक लिया था तो वो गाच कोटो मीन्स सिंदूर दान के साथ वो फ़ोटो है मेरा।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ना मम्मा पूरी येलो है, क्योंकि जब हल्दी की रस्म चल रही थी मेरी, तो मेरी जो हल्दी आई थी वो हल्दी मिर्च लगाने के बाद सब लोगों ने हल्दी से होली खेला, तो इसलिए मम्मा पूरी येलो हो गई। तो ये दूसरे मेरे सिंगल पिक्स हैं, और ये मेरी बहनें हैं, मेरी सिस्टर्स हैं और उनके बच्चे हैं ये, तो उन लोगों के साथ एक फ़ोटो, और ये प्रीतम है और उसकी फैमिली मेम्बर्स के साथ एक फ़ोटो। तो पैरेलली सब पिक्स क्लिक कर रहे थे ग्रुपीस में, तो यहाँ पे एक ग्रुप चल रहा था, वहाँ पे एक ग्रुप चल रहा था, तो वही सब। और ये प्रीतम का एक सिंगल फ़ोटो है, और पीछे आप जो देख रहे हो वो हॉल है, और यहाँ पे अभी प्रीतम की रिचुअल्स स्टार्ट होंगे, मीन्स बाबा और प्रीतम का यहाँ पे काम है। तो मैं तो अंदर थी, वहाँ पे अंदर मेरे सिंगल पिक्स चल रहे थे और बाकी सबके साथ पिक्स क्लिक करवा रही थी। तो यहाँ पे बाबा और प्रीतम के रिचुअल्स चल रहे थे, जो भी सारे रिचुअल्स होते हैं तो वो सब चल रहे थे। ये प्रीतम का फोटो है, उसका एक सिंगल पिक ले लिया उन लोगों ने। यहाँ पे एक बहुत ही फनी सीन हुआ था, और वो बहुत मुझे भी अभी भी याद है, मीन सबको याद है, बाबा को, प्रीतम को, मानी, वो मानी है, मानी को भी। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था कि ना, जो प्रीतम के लिए अंगूठी हमने डिसाइड की थी रिंग, तो वो रिंग मैंने बाबा, मतलब बाबा के हाथ की साइज़ का हो गया था, तो प्रीतम की साइज़ में आ ही नहीं रहा था, तो इसलिए प्रीतम और बाबा हंस रहे थे, क्योंकि अंगूठी साइज़ की थी नहीं, मतलब हो ही नहीं थी, ढीली पड़ रही थी। तो ये बहुत फनी वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पे क्लिक हो गया। ये प्रीतम और मेरा फोटो। अब कुछ प्रीतम के भी सिंगल फोटोज़ ली गए थे, और ये है कि है ना, मुझे उठा के, मीन्स पीडी में बिठा के राउंड राउंड, मतलब 7 राउंड्स हस्बैंड के आजू बाजू फिरते, वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम यहाँ पे वरमाला एक दूसरे को डालेंगे, ठीक है। तो हमें पान ढक के आना पड़ता है, मतलब मुंह हाइट करना पड़ता है, तब तक शुभो दृष्टि कहते हैं इसको बंगाली में, तो वही चल रहा था। फिर वरमाला डाला, अब वरमाला डालने के बाद हम एक दूसरे को देख रहे थे, ये शुभो दृष्टि हो रहा था, शुभो दृष्टि कहते हैं बंगाली में, तो वही रिचुअल फॉलो हो रहा था। और यहाँ पे हमारे को सिंगल पिक्स है। मुझे ना ब्लैक एंड वाइट और कलरफुल में से ब्लैक एंड वाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मीन्स ऐसा नहीं, कलरिंग वाला भी बहुत अच्छा है। तो यही वो रिचुअल फॉलो हो गया, शुभ दृष्टि वाला हमारा और वरमाला वाला हमारा, वो जो था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते फिर शादी के, तो ये शादी में पता नहीं ये क्या हो रहा था, मुझे जो बिठा दिया वहाँ पे मंडप पे, और वहाँ पे पंडित जी हाथ पे हाथ डाल के, और हाथों में हाथ डाले, और फिर बाद में ये सब पता नहीं क्या डाला। तो यहाँ से शादी स्टार्ट होती है अपनी। वैसे भी मुझे बंगाली शादी में इतना ज़्यादा पता नहीं है सारे रिचुअल्स, तो वही जब थोड़े बहुत देखे हैं तो उतना ही मुझे आइडिया है। तो यहाँ पे मैं और प्रीतम बैठ गए हैं मंडप पे, और बाबा भी है, और दो पंडित जी हैं, एक प्रीतम के साइड के और एक मेरे साइड के। तो अभी वही सब रिचुअल्स फॉलो हो रहा है, सब चल रहा है वो सब रिचुअल्स फॉलो, तो उसी के बीच क्लिक्स पिक्चर क्लिक हुआ। ये बहुत ही फनी सीन था कि ना, वो करने के बाद हमें हाथ का स्मेल लेना था, पता नहीं क्यों और क्या रिचुअल है मुझे वो भी नहीं पता। ये हमारा गठबंधन हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसके बाद साथ फेरे लेंगे, लाइफ के साथ वचन, जो हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ निभाना है, तो वही अभी स्टार्ट होगा फेरे।